हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो अभी बीटेक लेवल का आपका इंजीनियर्स का ऑफिसर्स ग्रेड का आपका जो फॉर्म निकला हुआ है उसके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। सो अगर आपने फॉर्म भर रहे हैं या फिर आप भरने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिविल ब्रांच के बारे में, सिविल इंजीनियर के बारे में। बट अगर आप किसी और ब्रांच के हैं, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो उन सब का पेपर भी आपका अपलोड कर दिया गया है इलेक्ट्रिकल का, और बाकी जो बच गए ब्रांच उनका अपलोड कर दिया जाएगा आपका 1 से 2 दिन में। तो चेक कर लीजिएगा, जैसा कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये आपका मैकेनिकल का है। सो ये मैकेनिकल का है, ये आपका अपलोड हो जाएगा 1 दिन में, और ये आपका इलेक्ट्रिकल का है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल वाला जो है ये आपका अपलोड हो चुका है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। और अगर आप दूसरे ब्रांच से जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो इंस्ट्रूमेंटेशन का भी आपका अपलोड कर दिया जाएगा आपका 1 से 2 दिन में। तो चेक कर लीजिएगा। अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं सिविल ब्रांच के बारे में, तो सिविल का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था 11/8/2021 को हुआ था, सुबह 9 बजे से 11:30 बजे, यानी कि आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया गया था। सिविल इंजीनियर का पेपर था, और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका मैं ये पेपर आपको बता रहा हूँ इसमें मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि स्क्रीन पर ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन को कुछ देर के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए स्क्रीन पर रखूँगा, देन मूव फॉरवर्ड कर दूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, या फिर आप उसको पॉज करके भी देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो आपका पैटर्न होने वाला क्वेश्चन का, मैं आपको शॉर्ट में पैटर्न बता देता हूँ। 85 आपका नॉन टेक्निकल आता है, 85 आपका टेक्निकल आता है। नॉन टेक्निकल में आपका 17 क्वेश्चन जो रहता है, 17 क्वेश्चन वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहता है, और 34 क्वेश्चन जो आपका रहता है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड से रहता है, मैथमेटिक्स से, और आपका 34 क्वेश्चन जो आपका रहता है वो आपका रीजनिंग से रहता है, इंटेलिजेंस से। तो ये पूरा मिला के आपको होता है 85 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, और फिर टेक्निकल जिस भी डिसिप्लिन से आप है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, जो भी, तो उससे आपका 85 क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियर का है, तो सिविल इंजीनियर का रहेगा यहाँ पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन से इंग्लिश लैंग्वेज से आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है। देन next। सो यहाँ पे हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद से यहाँ पे हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, मैथमेटिक्स का आपका सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। next
नेक्स्ट 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 सो यहाँ से हमारा इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट यानी कि रीजनिंग का आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। सो रीजनिंग का आपका फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सो यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल सेक्शन का और रीजनिंग सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका कंप्लीट होता है। सो इसके बाद से हमारा डोमेन का क्वेश्चन यानी कि आपका जो सिविल इंजीनियर का क्वेश्चन है ये स्टार्ट होता है। तो सिविल इंजीनियर का फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। नेक्स्ट 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 सो ये आपका क्वेश्चंस है और ये आपके उसके ऑप्शंस। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट सो हमारा लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है सिविल इंजीनियरिंग का पेपर। सो अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं या आपने भरा है तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। इसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करके जाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।